तो भाई मैं बंडी के बस स्टैंड पहुंच चुका हूं। तो भाई गुलमर्ग जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी तो नहीं मिली बट बस मिल गई है। भाई व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है। बाकी ये वाला इग्नू आपने रील्स में भी काफ़ी देखा होगा, तो ये गुलमर्ग में ही है। देख लो मैं आपको 180 रुपये में गुलमर्ग ले आया। भाई कुछ भी कहो, नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं यहाँ गुलमर्ग में। ये भाई पैलेस की 50 रुपीज़ की टिकट है अंदर जाने के लिए। ये एक अंडरग्राउंड भी जगह बनाई हुई है यहाँ पैलेस के अंदर। देखते हैं अंदर नीचे क्या है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज है 19 जून 2024। अभी मैं हूँ गुरुद्वारे चौक के पास। थंबनेल देख के तो पता लग गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ गुलमर्ग गुरुद्वारा चौक से। तो भाई गुलमर्ग जाने के आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप यहाँ से टैक्सी कर लो जो कि आपको 3 से 4 हज़ार रुपये लगेंगे श्रीनगर से गुलमर्ग तक के, यानी तो आप मेरी तरह जा सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे जाऊँगा। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करूँगा यहाँ श्रीनगर में गुलमर्ग तक जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ गुरुद्वारा चौक से जाऊँगा डल गेट। डल गेट से मैं पकड़ूँगा बस मंडी के लिए। अगर मंडी के लिए नहीं मिली तो मैं बटमालू चला जाऊँगा, बटमालू से फिर मंडी के लिए ले लूँगा। और अगर डायरेक्ट मंडी के लिए मिल गई तो बढ़िया है। तो मंडी से मैं फिर जाऊँगा टनमर्ग, टनमर्ग से जाऊँगा गुलमर्ग। टोटल डिस्टेंस की बात करूँ श्रीनगर से गुलमर्ग का, वो 51 किलोमीटर दूर है जो गुलमर्ग है। तो अभी मैं यहाँ गुरुद्वारे चौक पे बस का वेट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं डल गेट जाऊँगा, फिर वहाँ से मैं बस लूँगा मंडी के लिए, देन मंडी से टनमर्ग, टनमर्ग से गुलमर्ग। तो ये कुछ रूट रहने वाला है मेरा। ठीक है, जैसे ही बस मिलती है वैसे ही आपको अपडेट करता हूँ। तो भाई मैं यहाँ डल गेट उतर चुका हूँ। गुरुद्वारा चौक से डल गेट तक का मेरा 10 रुपये किराया लगा है। अब मैं यहाँ से बस का वेट कर रहा हूँ, या तो मंडी के लिए मिल जाए डायरेक्ट या बटमालू के लिए। सो जहाँ के लिए मिलता है वैसे ही अपडेट करता हूँ फिर मैं आपको। बाकी मॉर्निंग टाइम में ट्रैफिक आपको काफ़ी ज़्यादा ही मिलेगा, तो कोशिश करना कि जल्दी निकल जाना। तो भाई मैं मंडी के बस स्टैंड पहुँच चुका हूँ। तो मंडी में कैसे आया आपको बताता हूँ। पहले मेरे को डल गेट से एक लिफ्ट मिल गई थी बटमालू तक के लिए, बटमालू से फिर मैं बस लेके आया यहाँ मंडी बस स्टैंड के लिए। तो 10 रुपये लगे हैं मेरे यहाँ बटमालू से मंडी बस स्टैंड के। तो यहाँ से शेयरिंग कैब जाते हैं टनमर्ग के लिए। तो अभी मैं शेयरिंग कैब जहाँ मिलता है वहाँ जाऊँगा, देखते हैं वो कितना लेते हैं टनमर्ग के लिए या मंडी से, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ बाकी। ये भाई बस स्टैंड है यहाँ मंडी का, बाकी ये साथ में ही टैक्सी स्टैंड बनाया हुआ है। यहाँ से मिल जाएगी आपको कैब, शेयरिंग कैब मिल जाएगी टनमर्ग जाने के लिए। तो मैं इस वाली से जा रहा हूँ, ये जा रही है टनमर्ग। बाकी आप बस से भी जा सकते हो बट बस थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कैब कर लो, सबसे बढ़िया शेयरिंग कैब। 100 रुपये लगेंगे मेरे हिसाब से टनमर्ग तक के, बाकी देखते हैं कितना लेता है। यहीं साथ में ही बस स्टैंड भी है। बसेस भी काफ़ी जा रही थी बट मैंने बस को इग्नोर किया, अब मैं टैक्सी से ही जा रहा हूँ, टैक्सी थोड़ा जल्दी पहुँचाएगी। तो भाई मेरे को शेयरिंग कैब मिल गई है टनमर्ग जाने के लिए। 100 रुपीज़ ले रहे हैं यहाँ मंडी बस स्टैंड से टनमर्ग के। तो अभी मैं बैठा हूँ, बस जैसे ही बैठा वैसे ही चल रही है, क्योंकि फुल थी बस, एक सीट बची हुई थी तो मेरे को भी दी है भैया ने। लास्ट में बैठा हूँ मैं पीछे वाली सीट पर। या तो आप शेयरिंग कैब कर लो या यहाँ से आपको बस भी मिल जाएगी सीधी जाने के लिए टनमर्ग। बाकी जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप जा सकते हो। फाइनली भाई मैं पहुंच चुका हूँ टनमर्ग के बस स्टैंड पे। यहाँ से मैं गुलमर्ग के लिए देखता हूँ कोई शेयरिंग टैक्सी मिल जाए। और वेदर यहाँ ठीक है अगर मैं श्रीनगर से कंपेयर करूँ तो, यहाँ ठंडक है थोड़ी, श्रीनगर में तो गर्मी हो रही थी। तो भाई गुलमर्ग जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी तो नहीं मिली बट बस मिल गई है। 10-12 किलोमीटर दूर है यहाँ से टनमर्ग से जो गुलमर्ग है। बाकी देखते हैं कितना टाइम लेते हैं और कितना किराया लेते हैं, वो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो आप यहां से बस भी ले सकते हो अगर आपको शेयरिंग कैब नहीं मिल रही है तो। भाई व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है।
तो सामने बर्फ़ के पहाड़ हैं, अभी जैम लगा हुआ है हल्का हल्का, धीरे धीरे बस चल रही है अपनी। बाकी मौसम यहाँ काफ़ी ठंडा हो गया है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। 22-23 डिग्री टेम्परेचर है, तो काफ़ी सही भी आ रहा है। पाइन ट्रीज देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। फाइनली भाई गुलमर्ग पहुँच चुके हैं, उधर साइड हल्की सी धूप निकली हुई है, बाकी धूप ही रहे, बारिश ना हो तो बढ़िया है। सो फाइनली भाई गुलमर्ग में पहुंच चुका हूं, तो मेरी गंडोला राइड की तो टिकट है नहीं, तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। बाकी गुलमर्ग मेनली गंडोला राइड के लिए फेमस है, तो यहां पे दो फेज़ हैं, फर्स्ट फेज़ सेकेंड फेज़। फर्स्ट फेज़ 800 रुपये के आसपास है, सेकेंड फेज़ 900 रुपये के आसपास है, तो टोटल अगर आप करते हो तो 1900 या 1800 के आसपास लगेगा आपका। और जो गंडोला राइड की टिकटें हैं वो ऑनलाइन बुक होती हैं, तो मैंने ऑनलाइन चेक किया था, मेरे को उस टाइम स्लॉट खाली नहीं मिला था, तो यहाँ आके आपको टिकट नहीं मिलेगी, आपको ऑनलाइन पहले ही एडवांस में बुकिंग करवा के आना पड़ेगा अगर आपको गंडोला राइड करना है। मेनली गुलमर्ग गंडोला राइड के लिए फेमस है। बाकी यहाँ वेदर काफ़ी अच्छा है, ठंडा हो रखा है अगर मैं श्रीनगर से कंपेयर करूँ तो, यहाँ वेदर काफ़ी बढ़िया है। एक बार मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, मेरा सामने आई लव गुलमर्ग का साइन, लोग फोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, ऊपर साइड बर्फ़ है और गंडोला राइड का रास्ता इधर से ही गया हुआ है। अभी भाई यहाँ बारिश हो रही थी रास्ते में जब आ रहे थे, तो अभी मौसम सही हो गया, अभी धूप निकल गई है, बट बादल अभी भी छाए हुए हैं। यहाँ से मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया आ रहा है, पूरे प्लेन मीडोज़ हैं यहाँ पे, खुले मैदान, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, सामने प्लेन मीडोज़ हैं। तो अगर भाई यहाँ से आप घोड़े से जाना चाहते हो गंडोला राइड तक, तो 500 रुपीज़ लेंगे, आना जाना उसी में इंक्लूड है, क्योंकि ये आपका वेट भी करेंगे ना, अगर आप गंडोला राइड कर रहे हो तो ये नीचे वेट भी करेंगे, तो 500 लेंगे। अगर आप पूरा राइड करना चाहते हो यहाँ का, तो 2500 ले रहे हैं, कोई 2500 बोल रहा है, कोई 3000 बोल रहा है, कोई 4000 बोल रहा है, तो जैसा आप यहाँ आओ तो थोड़ा बहुत बारगेनिंग करोगे तो ये कर लेंगे। इधर साइड से गया हुआ है देखो रास्ता गंडोला राइड के लिए, अगर आप घोड़े से जा रहे हो तो। बाकी मौसम का यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा, कभी धूप हो रही है, कभी एकदम से बादल आ जा रहे हैं, कभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, वेदर का भी कुछ पता नहीं चल रहा। बाकी मौसम काफ़ी ठंडा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, श्रीनगर से तो काफ़ी ठंडा है, श्रीनगर में तो दोपहर में गर्मी हो रही थी, बट यहाँ काफ़ी ठंडा है यहाँ। और भाई जो मेरा किराया लगा वो सिर्फ 180 रुपये लगे हैं श्रीनगर से यहाँ गुलमर्ग तक, तो देखो मैं आपको 180 रुपये में गुलमर्ग ले आया, तो बताता हूँ मेरे 180 कैसे लगे हैं। पहले मैं गुरुद्वारा चौक से डल गेट की तरफ आया, 10 रुपये लगे मेरे, फिर डल गेट से मैं गया बट मालू, बट वो मेरे को राइड मिल गई थी, एक भैया ने लिफ्ट दे दी थी मेरे को, तो वहाँ से भी 10 रुपये ही हैं, तो वो भी इंक्लूड मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और बट मालू से मंडी गया, फिर 10 रुपये लगे मेरे, मंडी से फिर मैं टनमर्ग आया, 100 रुपीज़ लगे शेयरिंग कैब में, और टनमर्ग से मैं गुलमर्ग आया 50 रुपीज़ में, तो टोटल 180 रुपये हो गए। तो देख लो मैं आपको 180 रुपये में गुलमर्ग ले आया, तो जो कम बजट में आना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग को शेयर कर देना, ताकि कोई भी सस्ते में अगर गुलमर्ग आना चाहे तो आ सके। बाकी ये वाला इग्नू आपने रील्स में भी काफ़ी देखा होगा, तो ये गुलमर्ग में ही है, अगर आप गुलमर्ग में रुकना चाहते हो तो गुलमर्ग में भी रुक सकते हो, यहाँ पे भी होटल्स वगैरह काफ़ी अवेलेबल हैं, बट ये है कि आपको यहाँ महंगा पड़ेगा अगर मैं श्रीनगर से कंपेयर करूँ तो अगर रुकना चाहो, बजट आपका बढ़िया है तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हो। तो भाई ये ATV बाइक्स वाले 2000 रुपये लेते हैं फुल टूर के लिए, 6 पॉइंट इसमें दिखाएंगे आपको पूरे गुलमर्ग में, जिसमें से 2 व्यू पॉइंट हैं और 3-4 चीज़ें और दिखाएंगे। बाकी आप ये ATV राइड भी ले सकते हो, ATV राइड लेना चाहो ले सकते हो, एकदम सामने जहाँ गंडोला राइड के शुरू होता है ना उसी के साथ में ही बना हुआ है ATV राइड पॉइंट, तो आप यहाँ तो ये भी एक्टिविटी कर सकते हो, बढ़िया है। ये पहुँच गया भाई मैं गंडोला राइड पॉइंट, यहीं से एंट्री होती है, आपको अपने साथ ऑनलाइन जो टिकट है वो रखना पड़ेगा, और एक प्रूफ के लिए कोई भी ID, आधार कार्ड, वोट कार्ड, कुछ भी हो, पासपोर्ट, एक प्रूफ के लिए कोई भी ID लेके आनी पड़ेगी आपको, और टिकट आपको ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ेगी स्लॉट इसका, क्योंकि ऑफलाइन मिलता नहीं है।
अंदर से भाई कुछ ऐसा है। बाकी यहाँ आप टिकट दिखाओगे तो आपको एंट्री मिलेगी जाने के लिए, और अगर आपको वेट करना है तो यहाँ चेयर्स वगैरह भी लगी हुई हैं, आप वेट भी कर सकते हो। जब आपका टर्न आएगा तो आप जा सकते हो। ये जाने का है, इधर से वापस आने का है। तो भाई मैं इससे बाहर निकल चुका हूँ, जो गंडोला की एंट्री है इधर साइड से ही एंट्री। अब मैं जा रहा हूँ पैलेस की तरफ, हरी पैलेस है यहाँ पे। देखते हैं अंदर वीडियोग्राफी अलाउ करते हैं कि नहीं। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस भी है, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1-2 किलोमीटर होगा। तो अभी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, हरी पैलेस की तरफ, फिर यहाँ से निकलेंगे अपना श्रीनगर। और अगर आपके पास गंडोला राइड टिकट नहीं है तो आप फर्स्ट फेज तक घोड़े के साथ भी राइड कर सकते हो। घोड़े वाले आपको फर्स्ट फेज तक लेके जाएंगे, लगभग 2000 या 1500 के आसपास लेंगे आपसे। बाकी आप बारगेनिंग वगैरह कर सकते हो। भाई कुछ भी कहो, नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं यहाँ गुलमर्ग में। अब जाके लग रहा है कि मैं कश्मीर में आया हूँ। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं पाइन ट्रीज, देवदार के पेड़। तो भाई मुझे लिफ्ट मिल चुकी है एक हरी पैलेस जाने तक, वहीं गंडोला राइड से ही, जहाँ गंडोला राइड है ना वहीं वही चल रहा था। तो भैया एक मिल गए, उन्होंने लिफ्ट दे दी मेरे को हरी पैलेस तक के लिए। बाकी ये सामने चिल्ड्रंस पार्क है, घोड़े वाले आपको यहाँ पे भी लेके आएंगे अगर आप घोड़ा करोगे तो। काफ़ी 4-5 व्यू पॉइंट दिखाते हैं। ये एक लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हैं। बाकी ऊपर ये आपको क्या लग रहा है देखने में सामने? मेरे को दूर से लगा कोई पेड़ वगैरह है, बढ़िया भेड़ है। भाई कुछ भी कहो, कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं यार। मैंने बस भैया से इतना पूछा था कि मेरे को हरी पैलेस जाना है, मेरे को रास्ता बता दो। तो उन्होंने कहा मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, बैठ जाओ। तो देखो उन्होंने यहाँ तक छोड़ दिया। अब यहाँ से थोड़ी सी दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, लगभग 100 मीटर और होगा ऊपर जाना है। वो नीचे की तरफ चले गए। तो आपको अगर पता नहीं लग रहा तो आप लोकल लोगों से पूछो, हो सके तो आप लिफ्ट मांग लो, वो आपको लिफ्ट भी दे देंगे। बढ़िया लोग हैं यार। ये सामने पीछे झंडा देख सकते हो, यही पॉइंट याद रखो अगर आपको हरी पैलेस आना है तो। बाकी इधर साइड से ही मैं चला जाऊंगा जहां बस ने मेरे को उतारा था। तो यहां पे आप 4-5 चीज़ें कर सकते हो। मेन तो यहां लोग गंडोला राइड के लिए आते हैं, तो गंडोला राइड की टिकटें जो हैं वो एडवांस में ही बुकिंग कर लेना, नहीं तो भाई मुश्किल है मिलना। यहां ऑफलाइन टिकटें नहीं मिलती, आपको पहले से एडवांस में टिकट बुक करवा के आनी पड़ेंगी, 3-4 महीने पहले ही बुक करवा लेना, नहीं तो मिलनी बड़ी मुश्किल है। और जो घोड़े वगैरह वाले हैं वो आपको साइट सीन करवा देंगे, यहीं गंडोला राइड घुमा देंगे, स्ट्रॉबेरी पार्क दिखा देंगे, चिल्ड्रंस पार्क दिखा देंगे, हरी पैलेस दिखा देंगे, और थोड़े बहुत साइट सीन इधर उधर व्यू पॉइंट दिखा देंगे, उसी में आपके 2-3 हज़ार रुपये ले लेंगे। बाकी आपका बजट है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप बजट ट्रैवलर हो, मेरी तरह सस्ते में करना चाहते हो, तो जैसे मैंने किया वैसे आप कर सकते हो, आप काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी सस्ते में कर सकते हो। तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो। सो फाइनली भाई पहुंच चुका हूँ महाराजा पैलेस, महाराजा हरी सिंह जो कि लास्ट राजा थे जम्मू और कश्मीर के, उनका ये घर है। ये रहा भाई पैलेस हरी सिंह का, चलता हूँ अंदर से दिखाता हूँ, देखते हैं वीडियोग्राफी अलाउ करते हैं कि नहीं। ये भाई पैलेस की 50 रुपीज़ की टिकट है अंदर जाने के लिए। बाकी आपको अंदर से दिखाता हूँ, अंदर वीडियोग्राफी अलाउड है। शूज़ वगैरह भाई आपको यहीं निकालने पड़ेंगे तभी एंट्री होएगी। ये था भाई महाराजा हरी सिंह, लास्ट किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये सिटिंग एरिया है, झूमर काफ़ी अच्छे लगाए हुए हैं, एसी भी लगा हुआ है अंदर, ठंडा है काफ़ी। ये भी भाई सिटिंग एरिया है, काफ़ी बढ़िया बना रखा है उस टाइम का। ये आग वगैरह जलाने के लिए है सामने, सर्दियों के लिए।
तो आप गुलमर्ग आ रहे हो तो यहाँ भी आ सकते हो, देख सकते हो राजा जी का महल जम्मू कश्मीर के, ये भी सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। ये एक अंडरग्राउंड भी जगह बनाई हुई है यहाँ पैलेस के अंदर, देखते हैं अंदर नीचे क्या है। ये सिटिंग एरिया बना रखा है शायद खाना वगैरह खाने के लिए, बढ़िया बनाया हुआ है कुछ भी कहो। नीचे काफ़ी ज़्यादा ठंडक है। अब भाई मैं हरी पैलेस से निकल चुका हूँ, बढ़िया पैलेस था, आप आ सकते हो, देखने लायक जगह है। 50 रुपीज़ टिकट लगेगी आपकी देखने को। जो जम्मू कश्मीर के लास्ट किंग थे महाराजा हरी सिंह, उन्हीं का ये पैलेस है, उनका होम कह सकते हो, यहीं पे रहते थे वो। अब भाई मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ जहाँ मेरे को बस ने ड्रॉप किया था, बस मेनली यही था गुलमर्ग में। मैंने लगभग सारी चीज़ें करवा दी जो मेन गुलमर्ग में घूमने लायक है। अब देखता हूँ मुझे श्रीनगर जाने के लिए क्या कन्वीनियंस मिलेगा। अभी 3:30 हो रहे हैं तो आई होप पहुंच जाना चाहिए 6-7 बजे तक श्रीनगर, क्योंकि फिर ट्रैफिक भी ना हो जाए तो अब निकलने में फ़ायदा है। तो ज़्यादातर लोग वन डे टूर करते हैं गुलमर्ग का, एक दिन में आना जाना, तो एक दिन सफिशेंट है गुलमर्ग घूमने के लिए और ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी आपका ज़्यादा मन है तो यहाँ होटल वगैरह भी ले सकते हो, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। एक बार मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया आ रहा है यार, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बर्फ़ के पहाड़, पाइन ट्रीज, खुला मैदान, बड़ा सही लग रहा है। एक सेकंड दिखाता हूँ, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, खुला मैदान है नीचे। वो उधर साइड बस मिलेगी मेरे को, वहीं पे बस ने ड्रॉप किया था मेरे को उधर साइड। ये बर्फ़ के पहाड़ देख सकते हो आप, काफ़ी खूबसूरत है यार गुलमर्ग। उधर साइड कहीं गंडोला राइड था, यहाँ से दिख नहीं रहा है, इधर साइड है कहीं। अब मुझे इधर जाना है नीचे की तरफ, गोल घूम के सर्कल वहाँ तक। देखता हूँ कोई लिफ्ट लूँगा या नहीं तो वॉक करके ही जाऊँगा। खूबसूरत लग रहा है ये सामने भारत का झंडा, जो भाई यहाँ आँखों से देखने मज़ा है ना, वो या तो आप अभी फ़ोन से देख रहे होगे या लैपटॉप से, वो मज़ा नहीं आता लैपटॉप फ़ोन से देखने में, जो आँखों से देखने मज़ा आएगा। तो आओ कश्मीर का प्लान करो, काफ़ी खूबसूरत है कश्मीर, देखने लायक जगह है, वाकई में जन्नत है कश्मीर, बेहद खूबसूरत है। देखो यार मैं हिमाचल भी घूमा हूँ, उत्तराखंड भी घूमा, बट कश्मीर की बात कुछ अलग ही है। यहाँ पे जो खुले मैदान है ना वो बेहद खूबसूरत है, दूर दूर पहाड़ हैं, बीच में एक मैदान है जो कि 4 चांद लगा देते हैं इसकी खूबसूरती को। अभी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और यहाँ गुलमर्ग में तो मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता, कभी धूप है, कभी छांव है, कभी बारिश है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है मौसम का। बढ़िया है, बेहद खूबसूरत जगह है गुलमर्ग, तो प्लान करो आप गुलमर्ग में आने का। सो, मैंने सारी चीज़ें कवर करवा दी। अगर कोई कश्मीर का प्लान कर रहा है तो मेरे व्लॉग्स दिखा देना, उसको शेयर कर देना। सो, अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा श्रीनगर, तो वही रूट दिखाने का तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट मेरे को श्रीनगर के लिए तो कोई कन्वीनियंस नहीं मिलेगा। यहाँ से पहले मैं जाऊँगा टनमर्ग, देखता हूँ या तो बस लूँगा या शेयरिंग कैब। तो यहाँ से मैं जाऊँगा टनमर्ग, टनमर्ग से मंडी, मंडी से देन डलगेट, डलगेट से फिर गुरुद्वारा चौक। तो ये कुछ रूट रहेगा मेरा वापस जाने का। कल मैं एक और जगह जाऊंगा, गैस करो वो कौन सी जगह है, कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे तो बहुत लोगों को पता लग गया होगा बट चलो मैं छोड़ रहा हूँ, कल मैं एक और जगह जा रहा हूँ, गैस करके कमेंट सेक्शन में बताना, वो आपको कल ही पता लगेगा, मैं नहीं बता रहा अभी, ठीक है। वो भी काफ़ी खूबसूरत जगह है। सो, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।